नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सोनो से चंद्रदेव बर्नवाल की रिपोर्ट। देश भर में फैल रही कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में रोजमर्रा की भांति कार्य करने वाले मजदूरों के सामने खाने पीने की बहुत बड़ी संकट उत्पन्न हो गई है। इस संकट को देखते हुए सोनो थाना अध्यक्ष राजेश कुमार एवं सोनो थाना में कार्यरत सभी छोटे बड़े पदाधिकारी गणों ने अपना 5 दिन का वेतन देने की घोषणा की है। साथ ही मौके पर उपस्थित झाझा DSP भास्कर रंजन के नेतृत्व में सोनो थाना परिसर में तकरीबन 100 से अधिक लोगों को भोजन सामग्रियों का वितरण किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर MS परवाज, सोनो थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, SI उपेंद्र कुमार सिंह एवं RP राम सहित अन्य जवान मौजूद थे। बताते चले कि लॉकडाउन की निर्णय के बाद निसहाय गरीब परिवारों के समक्ष आई खाने पीने की संकट को देखते हुए DSP भास्कर रंजन ने स्थानीय समाज सेवियों तथा बुद्धिजीवियों से इन गरीबों के बीच उत्पन्न भुखमरी को बचाने में आगे आने का अपील किए। राकेश मोबाइल लेता